नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कृषि कानून रद्द करके किसानों का सम्मान करे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं करवाना चाहती है और इस आंदोलन पर देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है। सामना में कहा गया है कि किसानों की हिम्मत और जिद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करना चाहिए और कृषि कानून रद्द करके किसानों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन के समर्थन में उतरे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर, 49 वैज्ञानिकों ने जारी किया खुला पत्र। जी हां दोस्तों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कोरोना वायरस से बचाव में कारगर बताते हुए देश के 49 वैज्ञानिकों ने खुला पत्र जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों वैक्सीनों के खिलाफ दुष्प्रचार के पीछे निहित स्वार्थी तत्वों का हाथ है, जो देश के वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर बताया है। उनके अनुसार ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से प्राप्त कोरोना के वायरस को निष्क्रिय करते और कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ अन्य वैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली MCD कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिए 938 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी के लिए 938 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने अन्य योजनाओं से पैसा निकालकर 938 करोड़ रुपए जमा किया है। सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण मार्केट का भी बुरा हाल है, दिल्ली सरकार अपना काम मुश्किल से चला रही है। इसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए हमने अन्य योजनाओं को रोक कर तथा अन्य विभागों की राशि काट कर किसी तरह 938 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। यह राशि सैलरी के लिए दी जा रही है। अब मैं BJP वालों से कहना चाहूंगा कि इन पैसों को भी चोरी मत कर लेना, इनसे कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को लेकर साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार में की थी BJP की मदद, अब UP और बंगाल के चुनाव में भी करेंगे। जी हां दोस्तों, उन्नाव से BJP सांसद साक्षी महाराज ने अब AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब ओवैसी पर भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद की थी और अब वह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद करेंगे। साक्षी महाराज ने कहा है कि ईश्वर की कृपा है, भगवान उन्हें और शक्ति दे। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की है और उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों ने उन पर BJP की बी टीम होने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संसद का सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू, वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से आरंभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करेगी। बजट सत्र का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में संसद की कार्यवाही 29 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। दूसरे चरण में संसद की कार्यवाही 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच चलाई जाएगी। सत्रहवीं लोकसभा के 5वें सत्र में 35 बैठकें होंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट 2021 में मिलेगा किसानों को तोहफा, बढ़ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की रकम। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट होगा।
किसानों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री उसके लिए कुछ खास ऐलान करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में इजाफा किया जा सकता है। अभी किसानों को इस स्कीम के जरिए सालाना 6,000 रुपए उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब खबर यह है कि इस रकम को बढ़ाया जा सकता है। दरअसल किसानों की सरकार से मांग है कि यह रकम खेती किसानी के खर्चे को पूरा करने के लिए काफी कम है। सालाना 6,000 रुपए का मतलब हुआ कि महीने का 500 रुपए, इसलिए रकम को और बढ़ाया जाए। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में धान की खेती पर 3 से 3,500 रुपए खर्च आता है, जबकि गेहूं की खेती में 2 से 2,500 रुपए खर्च होते हैं। जिन किसानों के पास इससे ज्यादा जमीन होती है उसके लिए 6,000 रुपए की रकम काफी कम होती है, इसलिए इस राशि को और बढ़ाया जाए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आधार को तुरंत कीजिए मोबाइल से लिंक, 16 जनवरी से तभी मिलेंगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड भारत सरकार की कई योजना का आधार बन चुका है, लेकिन अब इससे जिंदगियां भी जुड़ गई है। जी हां, 16 जनवरी से आपका आधार सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज बन जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत न सिर्फ सरकारी योजनाओं में बल्कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने में भी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा तापमान, उत्तर भारत में ठिठुरन भरी ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, जाने मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बल्कि ठंड का कहर और बढ़ सकता है। आईएमडी ने बताया है कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों के ज्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसके कारण डल झील जम गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बेलगाम हुए पेट्रोल डीजल के भाव, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची कीमतें। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद से ईंधन की कीमतें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इस इजाफे के साथ ही पेट्रोल 84.70 रुपए, वहीं डीजल 74.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी लुढ़की। जी हां दोस्तों, सोने एवं चांदी की हाजिर कीमतों में गुरुवार को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के मूल्य में 369 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जिससे शहर में सोने का भाव 48,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 48,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमतों में 390 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही चांदी की कीमत 64,534 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 64,924 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत को दे सकता है सैन्य समर्थन, चीन हुआ नाराज। जी हां दोस्तों, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें सामने आया है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाना चाहिए। हालांकि चीन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नाराज हो गया है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल रही है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर दक्षिण एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। WHO को ड्रैगन ने दिखाई आंख, कोरोना वायरस की जांच करने जा रहे अधिकारियों को रोका। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की उत्पत्ति के कारणों की जांच करने चीन के वुहान जा रहे WHO के 2 अधिकारियों को चीन ने रोक लिया है। चीन ने कहा है कि ये दोनों अधिकारी वुहान नहीं
जा सकती क्योंकि इस काम के लिए ये दोनों ही फिट नहीं है। चीन सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में यह कहा गया है कि इन WHO के दोनों अधिकारियों में कोरोना के IgM एंटीबॉडी पाए गए हैं, यानी ये दोनों ही लोग कोरोना से ग्रसित रह चुके हैं। ऐसे में इनके वुहान जाने से स्थिति बिगड़ सकती है। WHO के इन दोनों अधिकारियों को सिंगापुर में ही रोक दिया गया है और उन्हें फिर से 14 दिनों के क्वारंटाइन अवधि को काटना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। H1B वीजा धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब अमेरिकियों के बराबर मिलेगी सैलरी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन का ही समय रह गया है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ट्रंप ने H1B वीजा धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने H1B जैसे वीजा धारकों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है और इसके लिए अंतिम नियमों की घोषणा कर दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिसंबर में थोक महंगाई में गिरावट, फूड आइटम सस्ता होने से मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, थोक महंगाई में राहत मिली है। दिसंबर थोक महंगाई दर अनुमान से कम रही है। दिसंबर में थोक महंगाई पिछले महीने यानी नवंबर 2020 के 1.55% से घटकर 1.22 पर आ गई है। साल दर साल के हिसाब से देखे तो थोक महंगाई दर में बड़ी राहत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 में थोक महंगाई दर 2.76% थी। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी से दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर में गिरावट देखी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिगो दे रही है 877 रुपए में हवाई यात्रा करने का मौका, फटाफट चेक कर लें किराए की लिस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिगो आपको सिर्फ 877 रुपए में हवाई सफर करने का मौका दे रही है, यानी आपको ट्रेन में फर्स्ट क्लास AC के टिकट से भी कम रुपए में हवाई सफर करने का मौका मिल रहा है। कंपनी ने इस ऑफर को द बिग फेट इंडिगो सेल नाम दिया है। इसके अलावा अगर आप टिकट की बुकिंग HSBC या फिर इंडसइंड के कार्ड से करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। द बिग फेट इंडिगो सेल का आयोजन 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच किया गया है। इस दौरान यात्री 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 के बीच में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो की सेवा इस समय 63 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर उपलब्ध है। सामान्य परिस्थितियों में कंपनी करीब 1500 डेली फ्लाइट्स का संचालन करती है। वहीं इसके बेड़े में 284 विमान शामिल है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।